चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं कोकोनट और गुलाब वाले लड्डू। तो ये जो लड्डू हम बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट हैं, और आपने अगर पहले कभी ट्राई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 1 कप, और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, एक लिक्विड बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसमें कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको बढ़िया से मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो अब हम फटाफट से कर लेते हैं इसको फ्राई करने के लिए घी गरम, या फिर रिफाइंड ऑयल भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको चम्मच से या फिर इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पर झाड़ रही हूँ, ऐसे आप इसको तेल में लगा देंगे, मतलब कि घी में या फिर रिफाइंड ऑयल में, और इसको उलटते पुलटते हुए कुरकुरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। इतना ही इसको फ्राई करना है, और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसको आप चाहें तो पकौड़ी की तरह भी बनाकर फ्राई कर सकते हो। तो चलिए इनको हम ठंडा होने के रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ले ली है चीनी, आधा और कप पानी पानी डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ केसर थोड़ा सा, और साथ ही मैं इसमें एक चुटकी ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, मतलब कि फूड कलर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। और इसको हम पका लेंगे मीडियम गैस पर 10 मिनट के लिए। जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख देते हैं। इतने हम क्या करेंगे, जो हमने बेसन को फ्राई किया है ना उसको पीस लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, और आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरा बना है, जैसे नमकीन होती है ना बेसन की, वैसे ही बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसको एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसको पीसना है। तो यहाँ पर हमने झाड़ को पीस कर तैयार कर लिया है, और यहाँ पर चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको एक बार चेक कर लेंगे गैस बंद करने से पहले। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट एक तार बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर गैस को कर दिया है बंद, और जो हमने झाड़ को पीस कर रखा है वो ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर अभी तो लड्डू बनेंगे नहीं, तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे गोला पाउडर, जो कोकोनट पाउडर आता है वो, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही बढ़िया से। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो हरी इलायची पाउडर थोड़ा सा खुशबू के लिए, लेकिन हम इनको थोड़ा सा गुलाब की खुशबू वाला लड्डू बनाना चाहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे, मतलब कि इसमें हम ऐड करने वाले हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, मतलब कि सूखा हुआ गुलाब। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच खरबूजे की गिरी डाल दी है, और थोड़े से गुलाब की जो पंखुड़ियाँ रखी थी सूखी हुई वो मैंने डाल दी हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और बहुत ही बढ़िया से हाथ से इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत कोकोनट, बेसन और गुलाब के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप ज़रूर से ये वाली रेसिपी ट्राई करना और बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।